हेलो रीवन वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यू पी एस सी, सी देखिए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डील करने वाले हैं बेसिकली आई हैव ऑलरेडी मेड द करंट अफेयर्स वीडियो ऑफ टू डेज यू नो सो अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप वीडियो जाइए वहाँ पे देख सकते हैं इजिली बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बनी ग्रास लैंड बनी ग्रास लैंडस आज न्यूज़ में है इंडियन एक्सप्रेस के एक सोर्स में आर्टिकल में मैंने पढ़ा उसको सो आई जस्ट आउट किया है बात पता होना चाहिए आपको कि वर्नी ग्रास लैंड्स होता क्या है एंड हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड किस तरीके से इसकी डाइवर्सिटी लॉस हो रही है ओवरऑल सो द क्वेश्चन इज दैट कि बायो कव बायो uh, डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर कैसे वनी ग्रासलैंड्स को हम रिस्टोर कर सकते हैं वट कुड बी द रीजन पॉसिबल आस्पेक्ट जिसके थ्रू हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं और वनिंग ग्रासलैंड हैं क्या बेसिकली कुछ और फेमस uh, ग्रासलैंड्स की बात करेंगे हम दुनिया की सो स्टार्ट करते हैं दिस इज मी रविचंद्र यू पी एस सी सी वेर यू गेट करंट अफेयर्स एंड रेगुलर अपडेट्स ऑफ एक्सप्लेन पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस ऑन अ रेगुलर बेसिस सो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को समझते हैं देखिए न्यूज़ में क्यों आज सिक्स ऑफ जुलाई और बन्नी ग्रासलैंड्स में एक का एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था जिसमें कह रहे हैं कि बन्नी ग्रासलैंड्स को री करने के लिए जो गुजरात गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना दे आर फाइटिंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फाइट फॉर दैट कि वो किसी तरीके से इसको रिस्टोर कर लें है, है ना सो ओवरऑल बन्नी ग्रासलैंड्स है क्या मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ इट्स नॉट गोइंग टू अ वेरी लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो चार तीन चार मिनट की होगी जहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी देखिए बन्नी ग्रासलैंड लैंड की अगर हम बात करें तो बन्नी ग्रासलैंड एक बहुत बड़ा एशिया का सबसे बड़ा ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एशियाज ग्रासलैंड है ग्रासलैंड होता है एक बहुत बड़ा सोर्स में छोटे छोटे ग्रासेज के उसका एक अपना एक डेफिनेशन है जैसे कि फॉरेस्ट का हम पड़ते हैं डेफिनेशन ट्री का पढ़ते हैं डेफिनेशन उस तरीके से ग्रासलैंड का भी एक अपना डेफिनेशन होता है ठीक है तो एशियाज लार्जेस्ट ग्रास जो है वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट ग्रास लैंड वो इंडिया में पाया जाता है यहाँ पर गुजरात में इस तरीके आपको दुनिया में मिल जाएंगे प्रेरीज मिल जाएंगे है ना पुस्ताज मिल जाएंगे अलग अलग देशों में अर्जेंटी में कुछ एशियल फिर फिर उसके अलावा अमेरिकन रीजन्स में कुछ यूरोप में सो अलग अलग जैसे वो वेल्ड करके ग्रासलैंड आपको मिल जाएगा साउथ अफ्रीका में डाउंस करके ग्रासलैंड आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया में है ना पुस्ताज करके आपको मिल जाएगा हंगरी में प्रेरिस करके मिल जाएगा आपको दूसरे रीजन्स में सो so, ओवरऑल जो ग्रासलैंड्स है वो दुनिया में काफ़ी हद तक फैले हुए हैं उसी उसका एक बहुत बड़ा एक और इस तरह का ग्रासलैंड इंडिया में पाया जाए जिसको हम लोग बनी ग्रासलैंड्स कह सकते हैं फॉर यफॉर्मेशन यू पी एस इज आस्ट क्वेश्चन ओवर दिस इन मेन्स एंड प्री एज वेल सो बनी अ तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ क्या है कि बनी ग्रासलैंड का जो अभी बहुत बड़ा लैंडस्केप है वो बहुत हद तक कमते जा रहा है गुजरात का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि हम दस हजार हेक्टेयर जो बनी ग्रासलैंड का है वो हर साल रिस्टोर करेंगे आने वाले सालों में आने वाले एक दशक में अगर हम बात करें तो बनी ग्रासलैंड्स बेसिकली इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिया ने भी बात करी जब 14 इंडिया में हुआ था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन यू नो कॉम्बैटिंग इसका न्यू दिल्ली डायलॉग हुआ था लास्ट ईयर उसके ऊपर भी बात करते हुए कहा गया था कि हम काफी हद तक जो ड्रॉट आता है इस रीजन में इस क्षेत्र में उसको हम कम करने का ट्राई करेंगे और बनी ग्रासलैंड को रिस्टोर करेंगे कुछ ऑफिशियल्स इसका रीजन क्या बताते हैं देखिए रीजन ऐसा है मैं सिंपली बताऊं तो कहने का मतलब कि जो बनी ग्रासलैंड्स होता है ना ये बहुत बड़े लेवल में फैला हुआ है विलेजर्स हैं आसपास तो ग्रेजिंग होती है बहुत बड़े लेवल पे फॉर्डर की ज़रूरत होती है फ्यूल की जरूरत होती है लोगों को ईंधन वगैरह की तो लोग उसका क्या कर देते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे ग्रेजिंग कर देते हैं ना उसके अलावा फिर चारा वगैरह की ज़रूरत होती है तो इनको बहुत बड़े लेवल पे कटाई कर दी जाती है डिफॉरस्टेशन हो जाती है इनकी अगर मैं सिंपली बोलूँ तो इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हैवी अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग के बाद जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है प्रॉसपोइ जूली जूली फ्लोरा करके एक जो एग्जॉटिक स्पेसी होता है इन्वेजिव स्पेसी होता है लेकिन इन्वेजिव स्पेसी क्या होता है बेसिकली एक ऐसा स्पेसी जो वहाँ का इंडेमिक ना हो कहने का मतलब वो वहाँ पे तो नहीं पाया जाता पर उसको हम दूसरे रीजन से लेकर आते हैं फॉर सर्टेन बेनिफिट्स और सर्टेन लॉसेज दोनों चीज़ों के लिए हम लेकर आते हैं तो ये जो प्रोलीफेरा जो आपका है ना मतलब प्रोस्पोही ज्लोरी फ्लोरा करके जो आपका एक एक्जॉटिक ट्री स्पेसीज है इसको इसको लाया गया था बन्नी ग्रास में ही यूज़ करने के लिए किसी और पर्पज से पर इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत हद तक निगेटिव होते जा रहा है ठीक है क्या होता है इसके बारे में आगे बात कर लेंगे एक स्लाइड में मैंने इसके बारे में रखा है तो प्रॉस्पोही ज्वेलरी फ्लोरा बेसिकली एक बहुत बड़े लेवल पे जो इसको जो ग्राउंड वाटर डिप्लीटिंग जो होता है ना उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है इसके जड़े काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं जिसकी वजह से जो ट्र... जो ट्रांसपरेशन रेट है वो बढ़ जाता है तो ओवरऑल इस रीजन में ड्रॉट वैसे भी आता है अब ड्रॉट क्षेत्र आने होने की वजह से जो ओवरऑल इस इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इन क्षेत्रों में पड़ने लगा है जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी नहीं हो पा रही ओवरऑल अगर मैं बोलूँ आपसे तो और जो कई सारी नदियाँ हैं इस क्षेत्र में जो भी नदियाँ पाई जाती है उसके ऊपर डैम्स बना दिए गए हैं उसके अलावा जो रिवर्स का फ्लो होता है बनी की तरफ वो कहीं ना कहीं रोक दिया गया है उसके अलावा ड्रॉट्स की मैंने बात करी है आपसे एंड कंटिन्यूस इंक्रीज इन सॉइल सेलिनिटी जो सॉयल में नमक की मात्रा है वो काफी तक बढ़ती जा रही है इन क्षेत्रों में ड्राउट के वजह से तो ये सारे रीजनस हैं जिसकी वजह से जो बनी ग्रास लैंड है एशिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रास है वो काफी हद तक खत्म हो रहा है इसके बारे इन्होंने कहा कहा इसके बारे में और कहते हैं कि कई कुछ साल पहले जब बेसिकली हमने जब प्रॉसफॉई जुलरी फ्लोरा को लाए थे मतलब बेसिकली लेकिन उसका जो अब डोमिनेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है है ना लाया भी गया था इसको अपने बेनिफिट के लिए मैक्सिको देखिए मैक्सिकन स्पेसियल

धीरे धीरे क्या हुआ बनी ग्रास लैंड में काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गया है अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि रिस्टोरेशन uh, की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस क्यों हुए हम देखिए रिस्टोरेशन करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रास लैंड्स को रिस्टोर करना इकोलॉजी को बचाना इन्फॉर्मेंट को बचाना एवरीबडी वांट्स दैट क्योंकि ये जो रीजन है वो बहुत बड़ा यू uh, नो you know, इसमें कई सारे गाँव भी हैं लगभग अड़तालीस uh, गाँव इस क्षेत्र में हैं तो लोगों को रहने के लिए भी जरूरतें हैं उसके हिसाब से अगर ग्रास लैंड को आप रिस्टोर नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं इको का जो प्रॉब्लम आता है वो तो अपनी यहाँ जगह आएगा ही उसके अलावा लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लास क्लासेंट पर डिपेंड करता है मैंने आपकी बात करी इसके तरीके से और ओवरऑल जो ये हम गुजरात स्टेट था वो पहले बहुत हद तक इंडिपेंडेंट हुआ करता था बट नाउ बिकॉज ऑफ द ड्राउट एंड ऑल रिलेटेड एलिमेंट्स ये गुजरात स्टेट जो है वो बहुत हद तक को अब कोट करने लगा है सो दैट्स नॉट राइट कि आप फॉर्डर को फ्यूल को इन सब चीजों को इंपोर्ट करें और जब तक आप रिस्टोरेशन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एलियन स्पेसीज जो फॉरन स्पेसीज इंधेसिव स्पेसिज हैं तो बढ़ते ही चले जाएंगे एंड दैट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स टू यू अगर आप वहां पर रहे हो सो ओवरऑल वॉट इज जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन दैट कि जो uh, वनी ग्रासलैंड है उसे रिस्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक इसके ऊपर आर्टिकल भी डाउन टू अर्थ में आया था आई विल पोस्ट दैट लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन इन माई कमेंट सेक्शन एज वेल जहाँ पे आपको वाइल्ड फायर्स और कैसे किस तरीके से की जो रोल है वो काफी है, तक बढ़ती चली जाती है अगर हम आप उसको रिस्टोर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आएंगे बहुत ज्यादा और प्लस पोइस uh, ज्वेलरी फ्लोरा की बात करें यूपीसी कैन स्कोशन लाइक दिस फ्रॉम बेसिकली साउथ अमेरिकन कॉन्टीनेंट मैक्सिकन कॉन्टिनेंट और जो करीबियन आइलैंड है मैंने आपको वहां पे रहता है पर इसका इन्वेसिव इन्वेस्टिव अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और कहीं कहीं क्षेत्रों में काफी हद तक मिल जाती malaria, period, है इट इज अ अंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू कंटिन्यूइंग ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया स्पेशली ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स वैन सुगर नेटिव प्लांट्स आर लार्जली अन अवेलेबल टू मॉस्कोटो एक बहुत बड़ा रीजन है भी ये जिसके एस प्रॉस्पोई जलुरी फ्लोरा जो है उसको हम आ, उसका हम बहुत यू नो अच्छे लेवल पर यूज नहीं कर पाते हम उसको तरीके से यूज करेंगे सभी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा अदरवाइज इट कुड क्रिएट अ ऑफ रकस फॉर प्लांट्स एंड अदर अदर थिंग्स एज वेल सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रॉस्पोई जलुरी फ्लोरा एंड ग्रासलैंड्स आपको पता होना चाहिए किस स्टेट में मिलता है क्या रीजन है जो इसके अंदर की चीजें वो भी मैंने आपको बता दिया बड़े बड़े क्षेत्रों की ग्रासलैंड की भी बात करी मैंने आपको सो ओवरऑल दिस वॉज द वीडियो सो प्लीज फॉलो माई यूपीएस स्क्रीनशॉट यू यू ऑन ट्विटर एंड बीपीएससी फेयरवेल टेलीग्राम चैनल प्लीज लाइक द कंटेंट एंड लव द वीडियो थैंक यू